HBK, you are watching International Leagues. आज हम बात करेंगे चाइना के सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक के बारे में और उससे भी ज्यादा खतरनाक चाइना के फाइव फिंगर्स स्ट्रेटजी। ये चाइना का इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देशों को कब्जा करने का एक बहुत खतरनाक प्लान है। इसे हम फाइव फिंगर स्ट्रेटजी के नाम से जानते हैं। इस प्लान के तहत चाइना तिब्बत नेपाल भूटान और भारत के तीन राज्यों सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को कब्जा करना चाहता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों चाइना बार बार इंडिया की टेरिटरी में घुसता है और चाइना क्यों भारत की टेरिटरी को अपना बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा तो आपका चाइना और चाइना का फ्यूचर प्लान और आप ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों इसी प्लान की वजह से चाइना इंडिया के हिस्सों पर अपना कब्जा करना चाहता है। इस वीडियो में चाइना इंडिया की जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो वॉर है, किस लिए चाइना ऐसा करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाइना आए दिन कभी इंडिया में घुसता है तो कभी ताइवान में, और नेपाल भूटान की तो बात ही छोड़ दीजिए। चाइना के पीएलए आर्मी जिसने 1962 के बाद कोई भी वॉर नहीं लड़ा है इन 50 सालों में, और वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर आने को लेकर ही रोने लगते हैं, वो भी बच्चों की तरह, वो आर्मी इंडिया से मुकाबला कभी नहीं कर सकती। आए दिन चीनी सैनिक इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते ही रहते हैं, और इस बार जब उन्होंने तवांग में घुसने की कोशिश की तो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने उनको पूरी तरह पीटा, उठाकर लिटाकर बिठाकर हर तरह से उनकी पिटाई की गई लाठी डंडों। तब जाकर पीएलए की आर्मी को दिल में ठंडक पहुंची। उससे ज्यादा तो हम इंडियंस को मजा आया, क्योंकि पीएलए की आर्मी को पिटता देख पूरा पाकिस्तान भी सदमे में है और चाइना एक भी शब्द बोलने को तैयार ही नहीं है कि उनकी आर्मी को इंडियन आर्मी ने अच्छी तरह से लाठी डंडों से पीटा, और हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत ही गर्व है। ताइवान ने तो चाइनीज पीएलए आर्मी का एक पूरे शो में एक बहुत बुरी तरह एक भद्दा मजाक भी बनाया है, और पूरी दुनिया शॉक है, खास तौर से पाकिस्तान और चाइना तो है ही। 2017 में जब चाइना की रेड आर्मी गलवान वैली में घुसने की कोशिश की थी, तब इंडियन आर्मी ने 50 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा था और हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे, और अब तकरीबन 600 चाइनीज सोल्जर्स ने तवांग में घुसने की कोशिश की, जिसमें चाइनीज सोल्जर्स को इंडियन आर्मी से लाठी डंडों से मार खाकर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स वहां पर तंबू गाड़ने आए थे और बाम्बू पाकर वापस भाग गए। हमारे आर्मी चीफ एमएस नरवणे जी ने एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि चाइना साल में 2 से 3 बार ऐसा करता है और हमेशा की तरह मार खाकर भाग जाता है, वो भी अपना सामान छोड़कर। चाइना हमेशा इंडिया में घुसना चाहता है, चाइना थोड़ा थोड़ा कर इंडिया की टेरिटरी कब्जा करना चाहता है, जिसे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। व्हाट इज सलामी स्लाइसिंग, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। हमारे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने चाइना के सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक की वार्निंग इंडिया को पहले ही दी थी, जो चाइना यूज करता आ रहा है। चाइना के सलामी स्लाइसिंग का मतलब है अपनी टेरिटरी को और बढ़ाना इन साउथ चाइना सी और हिमालयन रीजन। बहुत से जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स ने डोकलाम में चाइना इंडिया का जो विवाद हुआ था, जो स्टैंड ऑफ हुआ था, उसे चाइना के इसी सलामी स्लाइसिंग का नतीजा बताया था। उसमें इंडिया के 20 सैनिक शहीद हुए थे और 50 से ज्यादा चाइनीज सैनिक मारे गए थे। चाइना की सलामी स्लाइसिंग को आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं, जैसा कि किसी की टेरिटरी में 10 किलोमीटर अंदर घुस जाना, उसके बाद 8 किलोमीटर पीछे आना और 2 किलोमीटर दिखावे के नाम पर कब्जा कर लेना, इसे चाइना की सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा चाइना के खूनी पंजे, फाइव फिंगर स्ट्रेटजी, चाइना के फाइव फिंगर पॉलिसी और चाइना के फाइव फिंगर प्लान, सारे के सारे एक ही नाम है। द फाइव फिंगर पॉलिसी चाइना का एक बहुत ही पुराना और खतरनाक प्लान है। ये माओ जेडोंग के टाइम से चला आ रहा है। माओ जेडोंग तिब्बत को पाम मानता था, मतलब हथेली, और चाइना का राइट हैंड। विद फाइव फिंगर्स चाइना इन क्षेत्रों को, इन 5 क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता आ रहा है। फर्स्ट,
पहली फिंगर की बात करें तो वो है इंडिया का लद्दाख राज्य। लद्दाख को चाइना फर्स्ट फिंगर मानता है और इस पर अपना कब्जा करना चाहता है। सेकंड में आता है सिक्किम, जिसे चाइना सेकंड फिंगर मानता है और इसे भी कब्जा करना चाहता है, जो कि उसके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। एंड थर्ड फिंगर इज नेपाल। नेपाल जो कि एक देश है, पर चाइना उसको भी कब्जा करना चाहता है उसे अपनी थर्ड फिंगर बताते हुए। फोर्थ नंबर है भूटान का। भूटान भी नेपाल की तरह एक अलग देश है, पर भूटान में भी चाइना आए दिन घुसपैठ करता रहता है उसे और उसे अपनी फोर्थ फिंगर बताता है और भूटान पर भी अपना कब्जा करना चाहता है। फिफ्थ एंड लास्ट एंड द मोस्ट डेंजरस फॉर चाइना, अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपनी फिफ्थ फिंगर बताता है और आज दिन इसके सैनिक यहीं पर कब्जा करने आते हैं अपना तंबू लेकर और उसके बाद लाठी डंडों से साल में 2 से 3 बार मार खाने की आदत सीधी हो गई है, इसलिए आते हैं और मार खाकर लाठी डंडों से पिट कर जाते हैं। मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये तीन राज्य को चाइना अपनी तीन फिंगर्स बताता है और जो दो बची फिंगर्स हैं नेपाल और भूटान को बताता है, हुई 5। इन 5 फिंगर्स को चाइना अपना बताता है और ये प्लान माओ ज़ेडोंग के टाइम से चला आ रहा है, जिसको शी जिनपिंग भी फॉलो कर रहे हैं। ये चाइना का लगभग 6 दशकों पुराना षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, जिसके तहत वो भारत के पड़ोसी राज्यों को और भारत के 3 राज्यों को अपना बताते हुए कब्जा करना चाहता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।